हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइकोलॉजी क्लासेस में। तो आज भी हमने आपको पहले आर्थराइट्स पढ़ाया है, बट थोड़ा अलग है और इसमें भी आर्थराइट्स ही बता रहे हैं। ये पार्ट टू समझ लो आर्थराइट्स का। ओके, तो पार्ट टू है, वो पार्ट वन था। इसमें देख लो आप कि गठिया एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर जोड़ों को प्रभावित करने वाले किसी भी विकार के लिए किया जाता है। लक्षणों में आमतौर पर जोड़ों का दर्द और जकड़न शामिल है। अन्य लक्षणों में लाली, गर्मी, सूजन और प्रभावित जोड़ों की गति में कमी शामिल हो सकती है। कुछ प्रकार की गठिया में अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं। शुरुआत धीरे धीरे या अचानक हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि वो तो बहुत आसान शब्दों में मैंने पढ़ के बताया है, लिखा भी है, लेकिन गठिया एक ऐसा शब्द है मतलब कि जिसका इस्तेमाल मैंने बताया था, जो जॉइंट पेन होते हैं उनके लिए गठिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको एक उसको ही आर्थराइट्स कहा जाता है, मतलब गठिया गठिया होता है जो जॉइंट पेन, ठीक है, जो जोड़ों के दर्द को गठिया कहा जाता है। ठीक है, ओके, इसी तरीके से है। तो इसके जो लक्षण हैं वो जकड़न है, सूजन है, लालिमा है, ठीक है ना, और जोड़ों की गति है वो धीरी हो जाती है, मतलब जो धीमी गति से काम करते हैं तो दर्द होता है, सूजन भी आ जाती है, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पर लक्षण लिख रखे हैं, आप आराम से देख सकते हैं। जोड़ों का दर्द, जकड़न, लालिमा, सूजन, गति की सीमा में कमी। गति की सीमा में यही है कि जोड़ों में सूजन आ जाने के कारण, दर्द होने के कारण उनकी जो वो गति है वो धीमी हो जाती है। ओके, तो ऐसे प्रकार इसके जो प्रकार हैं आर्थराइट्स के, उसके 100 से ज़्यादा प्रकार हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटियड गठिया है। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटियड गठिया ये सबसे कॉमन है, मतलब ज़्यादातर जो है वो ये दो गठिया लोगों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इलाज में ऐसा कर सकते हैं कि आराम करना, बर्फ लगाना या गर्मी लगाना, वजन घटाना, व्यायाम करना, जोड़ों को बदलना। अब ये होता है कि अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर से एक बार सजेस्ट करें, उसके बाद ही कोई जो भी आप ट्रीटमेंट करना चाहें उसके बाद कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया है कि ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि गठिया के प्रकार 100 से अधिक हैं। सबसे आम रूप है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब इसको जो है हिंदी में बोलें तो अपक्षीय संयुक्त रोग। ओके, और रूमेटियड गठिया, तो ये जो दोनों हैं ये बहुत कॉमन है, मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोगों में ये वाले गठिया जो हैं लोगों में होते हैं। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया आमतौर पर उम्र के साथ होता है और उंगलियों, घुटनों और कूल्हों को प्रभावित करता है। ठीक है ना, जो फिंगर हैं, नी हैं और कूल्हों के, मतलब कि हिप जॉइंट जो रहते हैं उनको प्रभावित करता है, उन पे इनका इफेक्ट पड़ता है जिससे कि ज़्यादा दर्द होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ओके, और जो रूमेटियड गठिया है इसका क्या है, एक ऑटोइम्यून विकार है। रूमेटियड गठिया एक ऑटोइम्यून विकार है जो अक्सर हाथों को प्रभावित करता है, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि जो रूमेटियड गठिया है ये हाथों को प्रभावित करता है, जो हाथों में जो जॉइंट्स रहते हैं कलाई के जैसे कि, तो वो जो दर्द करते हैं और तो हाथों के जो जॉइंट्स हैं वो रूमेटियड गठिया के अंतर्गत आ जाते हैं अगर उनमें अकेला पैन है। ओके, तो ऐसे कह सकते हैं। अन्य प्रकार में गाउट, ल्यूपस, फाइब्रोमाइलिग्या और सेप्टिक गठिया शामिल है। वे सभी प्रकार के आमवाती रोग हैं। तो इसमें क्या है, जो अन्य प्रकार के जो गठिया होते हैं उनमें मोस्टली तो दो कॉमन जो मैंने बता दिए हैं आपको, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटियड गठिया, वो ज़्यादातर होते हैं। लेकिन अन्य प्रकार में अगर कुछ होते हैं तो वो ये होते हैं, गाउट, ल्यूपस, फाइब्रोमाइलिग्या और सेप्टिक गठिया शामिल है। ठीक है, तो ये वे सभी प्रकार के आमवाती रोग हैं, मतलब ये भी होते हैं लोगों में, बट वो वाले ज़्यादा होते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है 3 से 8, देखो आप देख सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस
3.8% से अधिक लोगों को प्रभावित करता है, जबकि रूमेटॉइड गठिया लगभग 0.24% लोगों को प्रभावित करता है। तो आप इससे देख सकते हैं कि एक इसमें यहाँ प्रतिशत में बताया गया है कि ये ऑस्टियोआर्थराइट्स जो गठिया है ये सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को प्रभावित करता है, और जो रूमेटॉइड गठिया है ये 0.25% लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे देख सकते हैं गाउट पश्चिमी आबादी के लगभग 1-2% को 1-2% को उनके जीवन में कभी ना कभी प्रभावित करता है। मतलब ये जो गाउट पश्चिमी आबादी के लोग हैं उनको लगभग 1-2% उनके जीवन में कभी ना कभी ये प्रभावित होता करता है उनके जीवन को। ओके, उनको मतलब जीवन में कभी ना कभी ये हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में लगभग 15% लोग गठिया से प्रभावित हैं। अब ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं लगभग उनमें 15% गठिया का जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलता है। मतलब वो इस चीज़ से उनको गठिया जो है वो हो जाता है, इस वजह से तो कह सकते हैं कि 15% लोगों में गठिया होता है। ठीक है, अब क्या है कि जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 20% से अधिक लोगों को एक प्रकार का गठिया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ मैंने अलग अलग मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का बताया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का बताया है, ठीक है ना, गाउट पश्चिमी आबादी का बताया है, मतलब ये थोड़ा अलग अलग मैंने यहाँ पे परसेंट वाइज भी बताया है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अमेरिका में 20% से अधिक लोगों को एक प्रकार का गठिया है। कुल मिलाकर यह रोग उम्र के साथ अधिक आम हो जाता है। गठिया एक सामान्य कारण है कि लोग काम से अचूक जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जीवन में गुणवत्ता में कमी आ जाती है। मतलब ये है कि जिस जो गठिया से जो भी व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जिसे भी गठिया हो जाता है, उसके पैरों में जहाँ भी जॉइंट्स पेन होता है, सूजन आ जाती है, जकड़न होती है, दर्द होता है, उसकी वजह से उसकी जो लाइफ स्टाइल है, जो भी कह सकते हैं कि अपने अपना जो वो वर्क करता है उस वर्क को वह उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसके जीवन की गुणवत्ता में आप देख सकते हैं कमी आ जाती है। ओके, आप देख सकते हैं यह है शब्द ऑर्थर। ऑर्थर जिसका अर्थ है संयुक्त, और इटिस का अर्थ है सूजन। ठीक है, तो ये जो ऑर्थर शब्द है जो संयुक्त से लिया गया है, इटिस का अर्थ है जो सूजन से लिया गया है, इसीलिए इसको ऑर्थराइटिस कहा गया है। ओके, इसको अब गठिया रोग जो है तो संयुक्त सूजन साथ में कह सकते हैं और ऑर्थराइटिस, ठीक है, इस वजह से इसको लिया गया है, जो मैंने बताया अभी जो ऑर्थर, यह शब्द जो ऑर्थर है जिसका अर्थ संयुक्त और इटिस का अर्थ सूजन से लिया गया है, तो ये जो दोनों हैं ऑर्थराइटिस तो संयुक्त सूजन ऐसा कह सकते हैं। ओके, अब इधर देख सकते हैं, वैसे ऑर्थराइटिस को गठिया ही बोलते हैं, ऑर्थराइटिस जॉइंट पेन, ठीक है, तो जॉइंट पेन की बीमारी है ऑर्थराइटिस। अब इधर देख सकते हैं गठिया रोग के कारण, तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो आमतौर पर संक्रमण से लड़ती है, गलती से उन कोशिकाओं पर हमला करती है जो आपके जोड़ों को पंक्तिबद्ध करती हैं, जिससे जोड़ों में सूजन, अकड़न और दर्द होता है। इसी कारण कुछ समय के बाद जोड़ों, नरम हड्डी और आसपास की हड्डी को नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, तो ये होता है कि जो अपना प्रतिरक्षा तंत्र बोल सकते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली जो आमतौर पर मतलब इम्यूनिटी सिस्टम, ओके, तो जो प्रतिरक्षा प्रणाली है जो आमतौर पर क्या करती है कि अपने जो बैक्टीरिया या ऐसा कह सकते हैं जो अपनी बॉडी में जाते हैं, जिनको जिनसे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसमें, तो वो क्या करता है कि वो ऐसा समझता है कि जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है और भी दिक्कत होती है, तो उसको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से जो इम्यूनिटी सिस्टम, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, तो वो उस पर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से भी उसमें सूजन जो है वो कम होती है, उसके जो जॉइंट्स बोलते हैं, जो जॉइंट्स हैं वो भी थोड़ा उनके आकार में भी थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, घिस जाते हैं, तो उनमें भी दर्द बढ़ता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है ना, और इस वजह से वो क्या है, आसपास की हड्डी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अब आप इस तरीके से देख लिया है, तो अब आप ऐसा करते हैं, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।